ओके सो हैविंग टॉक्ड अबाउट हाउ टू बिल्ड एन वॉट वॉट डेटा स्ट्रक्चर टू यूज फॉर स्टोरिंग आर इंडेक्स अब हम आगे चल के बात करते हैं uh, हमें एक प्रोसीजर डिफाइन करना है एड टू इंडेक्स सो डिफाइन अ प्रोसीजर एड टू इंडेक्स दैट टेक्स थ्री इनपुट्स ये तीन इनपुट्स लेगा वो तीन इनपुट्स क्या होंगी एंड इंडेक्स एक तो इंडेक्स इंडेक्स हम डिसाइड कर चुके कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट के अंदर फिर मज़ीद सब लिस्ट होंगी और हर लिस्ट जो होगी उसमें पहला एलिमेंट कीवर्ड होगा दूसरा एलिमेंट फिर एक सब लिस्ट होगी जिसके अंदर लिस्ट ऑफ़ यूरल्स हम मेंटेन करेंगे जो जिन जिन यूअर के ऊपर वो कीवर्ड हमें मिलेगा सो so हम तीन इनपुट्स देंगे ऐड टू इंडेक्स को एक इंडेक्स दूसरा कीवर्ड वो कीवर्ड जिसे हम इंडेक्स में ऐड करना चाहते हैं जो हमें वेब पेजेस के ऊपर मुख्तफ वर्ड्स मिलते हैं वो हमारे की होंगे राइट एंड अ यूर एल स्ट्रिंग राइट सो बुनियादी तौर पे हम ऐड टू इंडेक्स प्रोसीजर को तीन इनपुट्स दे रहे होंगे एक इंडेक्स दूसरा कीवर्ड जो हमें ऐड करना है तीसरा यू जिसके ऊपर हमें वो कीवर्ड मिला है तो ये तीन चीजें हैं जो हम ऐड टू इंडेक्स को देंगे सो इफ द कीवर्ड इज ऑलरेडी इन द इंडेक्स एट द द टू लिस्ट ऑफ दूर एसोसिएटेड विद की वर्ड अब दो ऑप्शन हो सकती हैं कि ये की वर्ड ऑलरेडी इंडेक्स में मौजूद है अगर ये ऑलरेडी मौजूद है मिसाल के तौर तो पर फर्ज करें कीवर्ड यहां मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि जो यू आर एल स्ट्रिंग है वो इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे लेकिन अगर वो कीवर्ड पहले से मौजूद नहीं है तो फिर इस तरह की बिल्कुल नई एंट्री एक एलिमेंट के तौर पे हम आगे करेंगे जिसके अंदर कीवर्ड और फिर आगे एक छोटी लिस्ट के अंदर हम आ, सब लिस्ट के अंदर हम उसका ऐड कर देंगे राइट सो इफ द कीवर्ड इज नॉट इन द इंडेक्स एड एन एंट्री टू द इंडेक्स अगर पहले से मौजूद है तो उसकी यू आर एल की लिस्ट के अंदर सिंपली यू आर एल का इजाफा कर देंगे और अगर मौजूद नहीं है तो की वर्ड और यू आर एल समेत पूरा एक एलिमेंट जो है वो इंडेक्स के अंदर डाला जाएगा राइट इसकी मिसाल कुछ यूँ होगी कि हम फर्ज़ करते हैं कि हमारा इंडेक्स शुरू में खाली है डेट्स एन एम्प्टी लिस्ट उसके अंदर कुछ नहीं है और अगर हम इस प्रोसीजर को यूं कॉल करें राइट उसको हम इंडेक्स दें एक कीवर्ड दें और यू आर एल दें जिस पर वो हमें कीवर्ड मिला है तो ये इंडेक्स में ऐड हो जाए इसी तरीके से अगर हम ये प्रोसीजर दोबारा कॉल करें दोबारा हम इसको वही इंडेक्स दे रहे हैं कीवर्ड एक नया दे दिया और यू आर एल भी एक नया दे दिया तो इसको भी ये इंडेक्स के अंदर ऐड कर दे और जब ये इंडेक्स में ऐड करेगा तो हमारी लिस्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगी राइट पहला एलिमेंट यूडर्सिटी इसमें आ गया और फिर आगे एक सब लिस्ट आ गई राइट और फिर इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट कंप्यूटिंग और उसके अंदर एक सब लिस्ट आ गई यहाँ आपको नजर आ रहा है कि यूडर्सिटी के अलावा एक और हमने यू भी ऐड किया हुआ है तो वो बेसिकली हम आ, ये काम इस तरीके से कर रहे हैं कि हम यहाँ पर तीसरी कॉल भी एक ले लेते हैं कि हमने पहले यूडर्सिटी यूडासिटी डॉट कॉम से कंप्यूटिंग ए सी एम डॉट ओ आर जी से और फिर यूडर्सिटी एन पी आर डो डॉट ओ आर जी फर्ज करें एक और वेबसाइट है जहाँ से हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा के पहला इंडेक्स ऐड हुआ तो सिर्फ यह चीज ऐड हुई होगी यूडर्सिटी और यूडर्सिटी डॉट कॉम पर दूसरा एलिमेंट कंप्यूटिंग और ए सी एम डॉट ओ आर जी कंप्यूटिंग और ए सी एम डॉट ओ आर जी अब जब हम दोबारा यूडर्सिटी ऐड करने के लिए आए तो हमारा प्रोसीजर देखेगा कि यूनिवर्सिटी पहले से मौजूद है लिहाजा तीसरा एलिमेंट नीचे नहीं किया जाएगा बल्कि इसी की यू आर एल लिस्ट के अंदर यह वाला यू आर एल Append कर दिया जाएगा, दैट इज सी सो लिहाजा हमें एक ऐसा प्रोसीजर लिखना है जिसका नाम ऐड टू इंडेक्स है जो तीन इनपुट्स ले रहा है इंडेक्स की वर्ड और यू आर एल और अगर वो की वर्ड उसमें मौजूद नहीं है तो एक नई एंट्री उसके अंदर होगी और अगर पहले से मौजूद है तो फिर उसकी यू आर एल लिस्ट के अंदर ये यू आर एल जो है उसको अपेंड कर दिया जाएगा सो so, दैट्स वेटी सिंपल यू कैन सी कि हम ये प्रोसीजर डिफाइन करते हैं डेफ एड टू इंडेक्स इंडेक्स की वर्ड यू आर एल ये तीन इनपुट्स लेता है अब हमें करना क्या है कि इंडेक्स में पहले हम चेक करेंगे कि जो की वर्ड हम इंसर्ट करना जा करना चाह रहे हैं वो की वर्ड पहले से तो लिस्ट में मौजूद नहीं है पहले से तो इंडेक्स में मौजूद नहीं है तो हम इस लिस्ट के ऊपर आइटरेट करेंगे हमें आइटरेट करना आता है हम लिखेंगे फॉर एंट्री इन इंडेक्स और फॉर आइटम इन इंडेक्स जो भी वेरिएबल का नाम आप यहाँ चूज करना चाहें सो फॉर ईच एलिमेंट इन द इंडेक्स राइट लूप थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ इंडेक्स गिविंग ईच वन द नेम एंट्री राइट ओके अब हर एलिमेंट आप इंडेक्स में से उठाएंगे और चेक करेंगे हमें पता है कि जो इंडेक्स के एलिमेंट्स हैं उनमें जो हर सब uh, एलिमेंट होगा उसका पहला पार्ट जो होगा वो कीवर्ड होगा तो हम चेक करेंगे एंट्री एट जीरो हमारा एलिमेंट है इंडेक्स के अंदर अगर उसका पहला हिस्सा हमारे कीवर्ड के बराबर है यानी इसका मतलब क्या है कि वो कीवर्ड पहले से हमारी लिस्ट में मौजूद है तो क्या करेंगे एंट्री ऑफ वन डॉट अपेंड यू आर एल तो फिर उसका यानी जीरो पे अगर हमारा कीवर्ड पड़ा हुआ है तो वन पे हमारी लिस्ट पड़ी हुई है और इस लिस्ट के अंदर हम अपेंड कर देंगे वो यू जो इस वक्त हमें यहाँ पे सप्लाई किया गया है राइट सो so बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम इंडेक्स के अंदर स्कैन कर रहे हैं कि जो कीवर्ड इस वक्त हमें ऐड करने को दिया गया है वो पहले से मौजूद तो नहीं है अगर वो पहले से मौजूद है तो फिर हम सिंपली उसका यूआरएल उसकी यूआरएल लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे राइट और साथ ही हम सिंपल रिटर्न कॉल करके इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमारा काम यहीं पर कंप्लीट हो गया इट right? लेकिन अगर ये लूप एक्सपायर हो जाती है यानी ये लूप पूरी चलती है पूरी लिस्ट के अंदर सर्च कर लिया जाता है लेकिन वो कीवर्ड हमें इस लिस्ट के अंदर नहीं मिलता तो उस सूरत में हमें नई एंट्री करनी होगी राइट सो दैट न्यू एंट्री कैन बी मेड हियर सो दिस इज द सेम प्रोसीजर रिटर्न अगेन राइट सो यहां हम रिटर्न करेंगे लेकिन अगर ये लूप एग्जिट कर जाता है और ये एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट नहीं होता तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इंडेक्स डॉट अपेंड यानी मेन लिस्ट के अंदर अपेंड कर देंगे कीवर्ड कॉमा यू एक लिस्ट के तौर पे एक आइटम अपेंड कर देंगे कीवर्ड जिसमें यहाँ कीवर्ड आ जाएगा कॉमा और फिर एक लिस्ट के तौर पे हम यू आर अपेंड कर देंगे इसके अंदर अभी शुरू में एक यू होगा लेकिन बाद में अगर दोबारा इसी यू के ऊपर कोई की आता है इसी की के अगेंस्ट कोई यू आता है तो वो इसी यू लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा सो दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ दिस प्रोसीजर Um, this procedure could abhi that how does it work as an example uh, yeah Python shell is open let me open this file uh, I, I've been using this file all links to put all the procedures that we have developed so far so this is the procedure add to index which takes three inputs it checks फॉर इंडेक्स फॉर एंट्री इन इंडेक्स इंडेक्स के अंदर हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या उसका पहला जो एलिमेंट है यानी कि कीवर्ड है वो हमारे गिवन कीवर्ड के बराबर है अगर बराबर है तो हम उसके सेकेंड एलिमेंट यानी कि सब लिस्ट के अंदर यू एल लिस्ट के अंदर ये यू अपेंड कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे लेकिन अगर ये लूप एंड हो जाती है और हमें ये आइटम नहीं मिलता तो हम इंडेक्स के अंदर एक नई एंट्री करेंगे और उस नई एंट्री में क्या होगा ये दोनों चीज़ें जो अभी कीवर्ड हमें दिया गया है वो कीवर्ड यहाँ आ जाएगा और जो यू हमें दिया गया है वो यू आर यहाँ पे आ जाएगा इसको हम एक्सक्यूट करके देखते हैं जो एग्जाम्पल हमें यहाँ दी गई है हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे एक्सिक्यूट करके देखते हैं तो हम शुरू में इंडेक्स ले, ले लेते हैं विच इज एन एम्पटी लिस्ट राइट उसके बाद हम एड टू इंडेक्स को कॉल करते हैं राइट right? और हम यहाँ इंडेक्स को प्रिंट करके देख सकते हैं कि जब हमने इसको इसके अंदर ऐड किया तो क्या हुआ सो यू कैन सी कि हमें एक लिस्ट मिली उस लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट है जिसके अंदर पहला एलिमेंट कीवर्ड है और दूसरा एलिमेंट एक लिस्ट है जिसके अंदर इस वक्त एक ही यू है दैट इज़ यूरासिटी डॉट कॉम राइट अब हम दूसरा कॉल जो है उसको भी इस्तेमाल करते हैं और एक नया कीवर्ड जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और अब हम अगर दोबारा इंडेक्स को देखें तो हमें नज़र आ रहा है ये कंप्यूटिंग कीवर्ड पहले से इसमें नहीं था लिहाजा एक नया एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया कंप्यूटिंग और उसके बाद उसका यूआरएल एक सब लिस्ट के तौर पे राइट right? और अब हम क्या करते हैं कि यही यूडासिटी इसको हम दोबारा कॉल करते हैं और हम एक नया यू देते हैं कि ये एन पे भी हमें ये वर्ड यूडासिटी मिला है फर्ज करें राइट right? और अब अगर हम इंडेक्स को प्रिंट करें तो यू कैन गैस कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है यहाँ पे कॉमा और उसके बाद आपको एन पी आर डॉट ओ आर जी नजर आना चाहिए एंड दैट इज हाउ इट इज राइट इवन इफ वी कंटिन्यू डूइंग सो अगर हम फर्ज करें कि हमें एक और वेबसाइट है वी जस्ट डोंट असर्ट इट लेकिन हम कहते हैं जी कोई यू आर एल है जस्ट अमी यू आर एल ए बी सी डॉट ओ आर जी उसके ऊपर भी ये एलिमेंट मौजूद है तो यू कैन गेस कि अब क्या होगा अब यहाँ पे एक तीसरा यू आर एल भी अपेंड हो चुका होगा एन पी आर डॉट ओ आर जी के बाद ए बी सी डॉट ओ आर जी भी अपेंड हो चुका होगा सो दैट इज हाउ इट ग्रोस राइट आई होप यू गॉट द आइडिया इसी तरीके से अगर कंप्यूटिंग का कीवर्ड दोबारा आएगा तो वो इस लिस्ट में अपैंड हो जाएगा और अगर कोई ऑल टुगेदर नया कीवर्ड आएगा तो उसके लिए एक पूरी नई एंट्री इस लिस्ट के अंदर हो जाएगी सो so इसी तरीके से ये इंडेक्स ग्रो करता जाएगा सो so इस प्रोसीजर की मदद से हमने ये देखा कि एक इंडेक्स के अंदर हम नई एंट्रीज किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं हम अपना सफर मजीद आगे जारी रखेंगे लुकअप प्रोसीजर और बाकी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे